नमस्कार जी, आप सभी का एजुकेशन नॉलेज टी चैनल पर मैं देवपाल हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी क्लास 10वीं क्लास 12वीं के अगर आप स्टूडेंट हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो भी इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। एग्जाम तिथि के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। पूरी खबर से पहले देखिएगा एजुकेशनल ऐप के बारे में। डाउट नट बच्चों, आप किसी सवाल में अटक गए हो, कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा हो, बस आपको उस सवाल का फोटो लेना है, करो करना है, सबमिट करना है। 3 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, MP, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट का हो या 6ठी से 12वीं का कोई सवाल हो, इन सब का सॉल्यूशन आपको डाउट नेट ऐप पर मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, इन सब का भी आपको डाउट नेट ऐप पर सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9वीं से 12वीं की लाइव क्लासेस चल रही हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यानी कि आप पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी इसे पढ़ाई कर रहे हैं, डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक। सबसे पहले तो यहाँ पे CBSE के स्टूडेंट देखिएगा, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बड़ी घोषणा की है भाई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। और 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, इस बार CBSE बोर्ड 4 मई से शुरू होगा, यानी कि 4 मई से आपकी परीक्षाएं शुरू होगी और 15 जुलाई तक रिजल्ट भी घोषित कर देगा भाई CBSE बोर्ड। उसके साथ साथ हरियाणा बोर्ड की खबर भी यहाँ पे आप देखिएगा। HBSC यानी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कि विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी खबर है भाई। CBSE की तर्ज पर मई में संभावित है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं। COVID-19 के चलते बंद रहे स्कूलों के कारण विद्यार्थियों को मिले हैं कम समय ही हो सकती है भरपाई, और हरियाणा बोर्ड को भी था CBSE बोर्ड के फैसले का इंतजार, और हरियाणा बोर्ड अपने जो एग्ज़ाम है वो मई में ही करवाने वाला है। बड़ी अपडेट है, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।